राजीव कुमार भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC नियुक्त किए गए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी है कि भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी को देख लेते हैं। तो राजीव कुमार वर्तमान CEC सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों राजीव कुमार जो हैं वो वर्तमान CEC सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे और सुशील चंद्रा का जो है कार्यकाल हुआ 14 मई यानी कि 14 मई को समाप्त हो रहा है। राजीव कुमार 15 मई को पदभार संभालेंगे। तो ये जो राजीव कुमार हैं जो नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुआ है तो ये 15 मई को अपना नया पदभार को संभालेंगे। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति हो गई है यानी CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति हो गई है। इनका जन्म 19 फरवरी 1960 में हुआ है। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो है 19 फरवरी 1960 में और CEC यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने से पूर्व राजीव कुमार विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और अपना सेवाएं दे चुके हैं। 1984 बैच के बिहार झारखंड के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं और रांची के DC भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है राजीव कुमार वो CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन बनने से पूर्व ये विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं और जो है पदों पर ये अपनी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। 1984 बैच के बिहार झारखंड के IAS अधिकारी भी ये रह चुके हैं और झारखंड की राजधानी रांची के DC के रूप में भी अपना जो है सेवाएं दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति हो गई है जो कि सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से तो आप लोगों को जानकारी को ध्यान रखना है।